हेलो डे स्ट्रेंड्स वेलकम टू टर्निंग पॉइंट सो जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए मे वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ योर नॉट ऑडियो वीडियो क्लियरिटी है क्या सो so, विल स्टार्ट द सेशन तो आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्गोरिथम्स बेसिकली एल्गोरिथम में जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिवाइड एंड कर स्ट्रेटी तो वॉट इज एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम में कौन कौन से टॉपिक या सब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जनरली गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ एंड विल कंटिन्यू द डिवाइड एंड कॉन और डिवाइड एंड कॉन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है और उन टेक्निक्स के अंदर हम लोग किस तरीके से आ, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और आज के सेशन में मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा उससे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको गेट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा 2024 के अंदर तो सेशन में कंटिन्यू बने रहिएगा और डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आएगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल और इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना तो टॉपिक से गारंटेड क्वेश्चन आने वाला है आज के सेशन से ठीक है एल्गोरिथम्स देखिए बेसिक अगर हम लोग बात करें जैसे जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डीए के लिए सेम uh, है या अलग है तो पॉइंट ये है कि आप चाहे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो दोनों ही केस में लॉजिक सेम है द वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन अलग जाएगा मतलब एल्गोरिथम्स जो है तो एल्गोरिथम चाहे आप शॉर्टिंग uh, टेक्निक्स की बात करें तो शॉर्टिंग टेक्निक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में सेम है ठीक है बस आपको यहाँ पे सी uh, प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंटेशन होगा कंप्यूटर साइंस के लिए और डेटा साइंस के लिए वही चीज़ जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट होगा तो इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज अलग है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है सो so, ये ये क्लियर है आप लोगों को ठीक है तो ये चीज ध्यान रखेगा अगेन द पॉइंट एस कंप्लीट एल्गोरिथम जो कोर्स है वो आप लोगों को टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा है ना कोर्स की जो प्राइस है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ थ्री फिफ्टी रुपीज़ है और उस पर भी फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है और अगर आप कंप्लीट गेट का कोर्स लेना चाहते हैं तो इट्स स्टार्टेड फ्रॉम दी थ्री थाउजेंड रुपीज़ ओके सो लेट्स यार सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि एलगोरिथम से गेट में क्या आने वाला है या क्या टॉपिक्स सब टॉपिक्स आते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर फोर पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं मेनली फोर uh, जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं ठीक है हालांकि एल्गोरिथम को मैं पहले शुरू कर चुका था मैंने जब डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था तो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी हुई थी तो सबसे पहला और हम बोले कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम क्या इससे डेटा साइंस में क्वेश्चन आएगा 100 परसेंट क्या इससे रिलेटेड कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन आएगा हंड्रेड तो डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे कंप्यूटर साइंस की कर रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होने वाला है और डेटा साइंस का फुल कोर्स भी हम लोगों ने टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च किया है आप सारे कोर्सेज इंडिविजुअल भी बुक कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्स भी वहाँ पे ले सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहला टॉपिक है मान के चलिए आप सी प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं या डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात करूं या एल्गोरिथम की मैं बात करूं इन चारों केसेज में आपको अब एक चीज और एक्स्ट्रा बढ़ गई पाइथन है ना तो पाइथन हो चाहे सी प्रोग्रामिंग हो चाहे डेटा स्ट्रक्चर हो चाहे आपका एल्गोरिथम हो इनमें से किसी भी फॉर्म में आपको एक प्रोग्राम दिया जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट एल्गोरिथम उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये क्वेश्चन आपसे हंड्रेड पूछा जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इन डेप्थ बहुत अच्छे से सारा कवर किया हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का तो वो अगर आप लोगों ने सेशंस नहीं देखे हो तो एप्लीकेशन पे जाके रिकॉर्डेड सेशंस जरूर देख लीजिएगा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड तो सबसे पहला पोर्शन है एनालिसिस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का उसके बाद आता है डिवाइड एंड कॉनकर डिवाइड एंड कॉनकर ग्रीडी अप्रोच ग्रीडी इज देयर एंड द थर्ड वन इज डायनामिक प्रोग्रामिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग ठीक है तो डिवाइड एंड कॉन कर की कुछ एप्लीकेशन कुछ अप्रोचेस हैं या फिर हम बात कर सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पे डिवाइड एंड कॉन कर टेक्निक यूज होती है तो अल्टीमेटली दिस थ्री इज द वे टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करना है तो वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के ये तीन तरीके होते हैं या तो आप डिवाइड एंड कॉन कर स्ट्रेटेजी अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो ग्रीडी अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो अब ये डिपेंड भी करता है कि उस प्रॉब्लम का नेचर कैसा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनको सॉल्व करने के लिए डिवाइड एंड कॉन ही अप्लाई करना पड़ेगा या फिर देर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ ये तीन तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के इनके अलावा भी तरीके इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच एक सिंपलेस्ट अप्रोच होती है लेकिन सिंपलेस्ट अप्रोच में हमेशा हमें लगता है अप्रोच सिंपल है बट एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है या मान लो हो सकता है कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लग जाए तो कहीं ना कहीं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें क्या करना है मिनिमाइज भी करना है तो उन्हीं चीज़ों को फोकस में रखते हुए हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखी कि डिवाइड एंड कॉन्कर एक तरीका हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ग्रीडी एक तरीका हो सकता है डायनामिक प्रोग्रामिंग एक तरीका हो सकता है इनके अलावा और भी तरीके लाइक ब्रांच एंड बाउंड हो सकता है बैक ट्रैकिंग हो सकता है दिस ऑल आर अ वे टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेनली अगर हम सिलेबस की बात करें या गेट की बात करें तो वो जनरली फोर टॉपिक्स के ऊपर होता है कॉम्प्लेक्सिटी होता है डिवाइड एंड फोकस होता है ग्रीडी पे फोकस होता है और डायनामिक प्रोग्रामिंग पे फोकस होता है तो हम इन चारों को ही क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो विल स्टार्ट विदर्ट स्ट्रेटेजी दैट इज द डिवाइड कॉनकर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइड एंड कॉनकर होता क्या है और फिर हम उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी डि कॉनकर की देखिये डिवाइड एंड कॉनकर देखिए कॉनकर तरीका ही आप लोगों को भी अपनाना चाहिए अपनी गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए या कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो है ना जैसे आप गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या गेट 2025 के लिए है, किसी भी गेट एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो व्हाट वी कैन से हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग तो आपको सिलेबस में 10 से 12 सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट 12 सब्जेक्ट्स तो ये एक बिग प्रॉब्लम है है ना गेट गेट या टॉप रैंक लेके आना और उसके लिए हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को पढ़ना सो व्हाट वी कैन से दैट वुड बी द बिग प्रॉब्लम तो अब इस बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है तो बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वॉट वी आर डूइंग वी आर डिवाइडिंग दैट बिग प्रॉब्लम इन टू दी सब प्रॉब्लम तो आपके पास अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम दी हुई है तो डिवाइड एंड कॉन कर क्या बोलता है उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लो फिर उस सब प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो फिर उस सब प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो और इस तरीके से डिवीजन करते जाओ कब तक जब तक की स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम आपको नहीं मिल जाती फिर उस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करो और ऐसे सारी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बिग प्रॉब्लम का रिजल्ट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है तो देखिए हम लोग करते क्या है यहां पर देखिए हम लोग करते क्या है यहां पे लेट्स सी है व्हाट वी आर डूइंग सीएस के पेपर में पाइथन नहीं आएगा बेटा सीएस के पेपर में पाइथन नहीं आएगा डेटा साइंस के पेपर में पाइथन आएगा सीएस के पेपर में सी प्रोग्रामिंग आएगी अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट सेम है चाहे पाइथन हो चाहे डेटा साइंस का पेपर हो चाहे कंप्यूटर साइंस का पेपर हो हाँ अगर मैं प्रोग्राम लिखूंगा कोड लिखूंगा तो फिर सी एस में सी में होगा वो और डेटा साइंस के लिए पाइथन में होगा वो ठीक है तो दोनों के लिए वो अलग अलग चीज है ठीक ये ट्रांजेक्शन सीरियलाइजेबिलिटी ट्रांजेक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल सेम ही टॉपिक है उसी को बोला जाता है तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है सेम ट्रांजेक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल या ट्रांजेक्शन एंड सीरियलाइजेबिलिटी एक ही बात है ट्रांजेक्शन में कॉन्करेंसी कंट्रोल ही किया जाता है वो चीजें सेम है ना सो डोंट अबाउट दैट में सेम है है ठीक डेटा साइंस में जो है वो वेयर हाउसिंग अलग है वो अलग से हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे चलिए अभी कम बैक टू द एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन कर मैंने आपको क्या कहा एक बिग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा सी है आई एम हैविंग अ बिग प्रॉब्लम सपोज टू बी प्रॉब्लम है गेट एग्जामिनेशन ठीक है अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया टू सब प्रॉब्लम में टू सब प्रॉब्लम में आपने क्या ले लिया एक आपने टेक्निकल पोर्शन ले लिया ठीक है और आपने एक नॉन टेक्निकल पोर्शन ले लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल पोर्शन है लाइक like दैट तो दो पार्ट कर दिया आपने ठीक है फिर उसको फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया आपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स को अलग अलग कर दिया इसमें भी एक फर्दर डिविजन कर दिया और इसको डिवाइड करते जा रहे हो आप कब तक डिवाइड कर रहे हो उसको यू आर डिवाइडिंग दैट दैटिल यू गॉट द स्मॉलेस्ट वन सो आप डिवाइड करते करते एक सब्जेक्ट पे आए उस सब्जेक्ट को फर्दर डिवाइड करते करते आप एक टॉपिक पे आए नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आपने सेकेंड टॉपिक किया सो so, ये स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम क्या है एक टॉपिक प्रिपेयर करना लाइक दैट ठीक है तो ये स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व की दूसरा टॉपिक की स्मॉलेट प्रॉब्लम सॉल्व की इस तरीके से आपने एक बिग टॉपिक को कंप्लीट कर लिया फिर आप रिमेनिंग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उनके रिजल्ट्स रिजल्ट्स को को मर्ज मर्ज करके करके बिग प्रॉब्लम प्रॉब्लम का का रिजल्ट रिजल्ट आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर कर रहे हो फिर इन को करके इस का कर लोगे और फिर इन दोनों सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को मर्ज करके बिग प्रॉब्लम का रिजल्ट आइडेंटिफाई कर लोगे तो डिवाइड एंड कॉन कर स्ट्रेटेजी क्या कहता है पहले एक प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो मतलब उसको ब्रेक कर दो सब प्रॉब्लम्स में फिर उन सब प्रॉब्लम्स को फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है फिर उन सब प्रॉब्लम्स को फिर डिवाइड करना है और ये डिविजन करते जाना है कब तक जब तक कि हमें एक ऐसी प्रॉब्लम ना मिल जाए जिसका फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है तो इसको हम बोलते हैं डिवाइड तो हम प्रॉब्लम को सबसे पहले डिवाइड करते जाते हैं कब तक जब तक कि फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं होने वाली प्रॉब्लम मिल जाए उसको हम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम कहते हैं फिर उन स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और रिजल्ट्स को मर्ज करते जाते हैं कौन करते जाते हैं और कॉनकर करके फिर अबाव स्टेप के रिजल्ट को आइडेंटिफाई करते जाते तो ये सिंपल सा रिकर्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप एक रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाएंगे प्रॉब्लम को टू प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे आप डिवाइड करते जाइए जैसे ही वो बेस कंडीशन पे पहुंचेगा बेस कंडीशन सॉल्व होगी ऑटोमेटिकली आप बैक ट्रिक करेंगे प्रीवियस स्टेप पे फिर बैक ट्रिक करेंगे प्रीवियस स्टेप पे और ऐसे करते हुए आप रूट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे ठीक है तो ये डिवाइड एंड कॉनकर का तरीका होता है अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे आपको याद रखना होता है और जिसपे गेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है वो है कि यहां पे जो सब प्रॉब्लम्स होती है दिस सब प्रॉब्लम्स आर इनडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट ये सब प्रॉब्लम्स इनडिपेंडेंट होती है इनडिपेंडेंट का मतलब क्या है इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस सब प्रॉब्लम के रिजल्ट्स की नीड नहीं है ये सब प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व होगा ये सब प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व होगा और हर स्टेप पे आप जितनी भी सब प्रॉब्लम्स बनाते जा रहे हैं हर सब प्रॉब्लम आपका इंडिपेंडेंट सॉल्व होगा लाइक दैट ओके सो व्हाट वी कैन से ईच सब प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू दी इच बिग प्रॉब्लम डिवाइडेड इंटू दी सब प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम फर्दर डिवाइडेड इंटू दी सब सब प्रॉब्लम एंड एट ईच स्टेप योर सब प्रॉब्लम्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं है ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उससे जो रिजल्ट मिलेगा उसको दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हो नॉट लाइक ठीक है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगा ये ध्यान रखना है आपको ठीक है लेट सी अब अगर हम लोग यहां पर बात करें सीयर ना कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिवाइड एंड कॉन करके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो एक प्रॉब्लम होता है सर्चिंग वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सर्चिंग विद द हेल्प ऑफ डिवाइड देखिए सर्चिंग करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं सर्चिंग करने के वे बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो एक तरीका है वो डिवाइड एंड कॉन कर भी देखिए जैसे एक सर्चिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं यू कैन अप्लाई द लीनियर सर्च यू कैन अप्लाई द लीनियर सर्च दर वे इज वॉट यू कैन अप्लाई दाइनरी सर्च अगर आप लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हो सो दट बाइनरी सर्च इज डिवाइड एंड कॉन कर अप्रोच दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच या फिर हम इसको बोल सकते इट इज अ सिंपल अप्रोच सो टू वेज आदर डिवाइड आपको सर्चिंग करना है तो सर्चिंग करने के लिए आप एक डिवाइड एंड कॉन तरीका यूज कर सकते हो तो बाइनरी सर्च इज एंड कॉन अप्रोच उसी तरीके से मैं बात करूं सेकंड टेक्निक की सो so, आप शॉर्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं किसको डिवाइड एंड कॉन अब शॉर्टिंग के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर ठीक है जैसे शॉर्टिंग कौन कौन से तरीके से कर सकते हो कौन कौन से एल्गोरिथम्स आप लोग यूज कर सकते हो तो अगर बेसिक क्लासिफिकेशन में दो टाइप में अगर करूं शॉर्टिंग को तो आप कह सकते हैं कि यहां पे एक होता है आपका कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक और सेकंड होती है आपकी काउंटिंग बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग टेक्निक्स के अपने बहुत सारे तरीके हैं लाइक बबल शॉर्ट इज देर सिलेक्शन शॉर्ट इज देर इंसर्शन शॉर्ट इज देर क्विक शॉर्ट इज देर मर्ज शॉर्ट इज दर हीप शॉर्ट इज दर काउंटिंग बेस में हम लोग जनरली यूज करते हैं रेडिक शॉर्ट और भी होती है जनरली रेडिक शॉर्ट से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाता है अब इनमें से अगर हम बात करें डिवाइड एंड कॉन का स्ट्रेटेजी कौन सी है तो जो क्विक शॉर्ट होती है एंड जो मर्ज शॉर्ट है डिड इन कॉन कर स्ट्रेटेजी ठीक है रिमेनिंग ऑल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटी मतलब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहां प्रॉब्लम को देखिए बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं उनके भी एल्गोरिथम्स होते हैं लेकिन वहां पे प्रॉब्लम को डिवाइड नहीं किया जाता ठीक है यहां पे हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो क्विक शॉर्ट मर्ज शॉर्ट इज डिवाइडिंग कॉन कर स्ट्रेटेजी सर्चिंग के लिए बाइनरी सर्च अगर यूज करते हो तो वो डिवाइड एंड कॉन्कर है शॉर्टिंग के लिए अगर आप क्विक शॉर्ट मर्ज शॉर्ट यूज करते हो तो वो डिवाइड एंड कौन का स्ट्रेटेजी है ठीक है तो बेसिक कंपैरिजन बेस्ड होती है और काउंटिंग बेस्ड होती है उसके अलावा फर्दर और भी तरीके हैं हम लोग शॉर्टिंग टेक्निक कंप्लीट डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आप लोग को शो बताऊंगा कि और कौन कौन से तरीके से हम लोग शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं बट ब्रॉडली क्लासिफिकेशन आप ये दो तरीके से कर सकते हो ठीक है इसके अलावा और हम लोग कहां पर यूज कर सकते हैं तो आप यूज कर सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर लाइक यू यू हैव टू टू एंड मल्टीप्लाई दी मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं एक तो सिंपल अप्रोच होता है सिंपल अप्रोच मतलब दो मैट्रिक्स ए क्रॉस बी जो जनरली आप लोग करते हैं मैट्रिक्स वो सिंपलेस्ट अप्रोच है स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है जिसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लूपय्लाइंग थ्री लूप्स तीन लूप्स लगा के और जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो ना वो सिंपल अप्रोच उसके अलावा एक अप्रोच होती है डिवाइड एंड कॉनकर अप्रोच बड़ी मैट्रिक्स को छोटी मैट्रिक्स में डिवाइड करना और फिर सॉल्व करना और एक और होती है स्टार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यह भी डिवाइड एंड कॉनकर अप्रोच है से सोल्व करने के भी दो तरीके एक डिवाइड एंड कॉन्कर कर अप्रोच सिंपलेस्ट अपलाई करते हैं और एक फिर स्टार्स ने बनाया था कि ये वाला तरीका करो इट इज ऑल्सो डिवाइड एंड कॉन्कर और आपको कॉम्प्लेक्सिटी में भी फायदा होगा तो so, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से देखिए मैं जो आपको यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड एंड कर पढ़ाने वाला हूँ ना तो मैं यहाँ आपको क्या करूंगा मैं आपको जो इसका जैसे सर्चिंग अगर हम लोग पढ़ेंगे सपोज तो आई विल शो यू द लीनियर सर्च एज वेल एज द बाइनरी सर्च और कम्पेरेटिव स्टडी करेंगे ठीक है फिर जब शॉर्टिंग टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो शॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर भी मैं आपको कंपेरेटिवली स्टडी कराऊंगा कि ये बबल शॉर्ट है या जो भी शॉर्टिंग टेक्निक्स है उन सभी को पढ़ते हुए और फिर हम लोग सभी टेक्निक के साथ में इन दोनों को डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सभी दोन कॉन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हम लोग ये सारी करेंगे, ना? और उनकी, आ, किस तरीके से क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है न्यूमेरिकल क्या है सब कुछ डिस्कस करेंगे फिर इसके अलावा आता है मीन टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अरे आपको एक अरे दिया हुआ है उस अरे का लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है यू नीड टू फाइंड दैट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है यू नीड टू फाइंड दैट तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्निक तो वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे तो इसमें आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अरे फाइंड आउट करने के लिए एक अगेन सिंपल अप्रोच है सिंपल अप्रोच सिंपलेस्ट अप्रोच सिंपली क्या किया इफ एल्स लगाया एक फोर लूप लगाया इफ एल्स लगाया मैक्सिमम और मिनिमम आइडेंटिफाई हो गया एक तरीका होता है मैक्समिन एल्गोरिथम दर इज एन मैक्समिन एल्गोरिथम इस मैक्समिन एल्गोरिथम को यूज करते हैं ये मैक्समिन एल्गोरिथम जो होता है ये डिवाइड एंड कॉनकर अप्रोच है इसमें अगेन बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना और डिवाइड करके और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं इसके अलावा जो डिवाइड एंड कॉन्कर को हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं इंटीजर मल्टीप्लीकेशन के लिए इंटीजर मल्टीप्लीकेशन इंटीजर मल्टीप्लीकेशन से क्या मतलब है मेरा लाइक like आपके पास में दो लार्जर नंबर्स दिए वैन यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस टू लार्जर नंबर तो भाई सर कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर सकते हैं बिल्कुल दो लार्जेस्ट नंबर दिए वे कैलकुलेटर से डायरेक्टली आप कर लेते हो या आप नॉर्मली जो मेथड यूज करते हो सिंपलेस्ट अप्रोच उससे दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बट अगर इंटीजर्स लॉन्ग है तो उन लॉन्ग इंटीजर्स को आप डिवाइड एंड कॉन अप्रोच के थ्रू भी मल्टीप्लाई करके और रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो मतलब लॉन्ग इंटीजर को स्मॉल इंटीजर्स में कन्वर्ट करना मतलब डिवाइड करना फिर उनके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना और एक बिग इंटीजर नंबर के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आइडेंटिफाई करना तो इन सारी प्लेसेस पे इन सारी प्लेसेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं डिवाइड एंड कॉन कर यूज कर सकते हैं इसके अलावा और भी अप्रोचेज होती हैं मतलब यही नहीं कि सिर्फ इतनी अप्रोच है दर आर मेनी अप्रोचेज बट जनरली जो हम लोग बात करें कि गेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मेनली इन टॉपिक्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं बाकी स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट सेम है यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम जहां पे भी डिवाइड एंड कॉन कर अप्लाई हो सकता है जहां बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जा सकता है वहां सभी प्लेसेस पे हम लोग इसको यूज करते हैं ठीक है तो ये मेन प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा आप इनको फोकस में रखेंगे है ना सो दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स दैट वी नीड टू डिस्कस हियर ठीक है चलिए शुरुआत हम लोग जो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें कवर अप कराने वाला हूं वो करने वाला हूं शॉर्टिंग टेक्निक्स से ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कवर द शॉर्टिंग टेक्निक उसके बाद फिर सर्चिंग टेक्निक को कवर करेंगे और शॉर्टिंग सर्चिंग के बाद में फिर स्टारसंस मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे मैक्समीन पे जाएंगे इंटीजर मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे और अगर कुछ टेक्निक्स डिस्कस करनी होगी तो वो भी हम लोग करेंगे ठीक है सबसे पहले हम शुरू करते हैं शॉर्टिंग टेक्निक्स को अब देखिए शॉर्टिंग करने का कोई एक शॉर्टिंग का मतलब क्या है सिंपली प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल आपके पास एक अरे दिया हुआ है उस अरे में एन नंबर स्टोर है ठीक है वॉट यू वॉन्ट यू वॉन्ट टू अरेंज दैट नंबर इन टू दी इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना है अरेंज करना है अब अरेंज करने के लिए तरीका क्या है हाउ यू कैन डू दैट अरेंजमेंट किस तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो तो इसलिए आप एक पॉइंट याद रखें सिंपल सा पॉइंट क्या है लाइक like, आपने एक एलिमेंट लिया ठीक है उस एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है अरे में जो नंबर है वो रेंडम ऑर्डर स्टोर है आप क्या कर सकते हो फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर कर लो कंपेयर करने के बाद आपने देखा कि पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरा छोटा है आपने स्वैप कर दिया ऐसे आपने हर एलिमेंट के साथ में किया ठीक है अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। तो शॉर्टिंग टेक्निक में सबसे पहली स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे बबल शॉट है ना मैं आपको सारी शॉर्टिंग टेक्निक्स बताऊंगा और सभी को किस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस रिकर्सन रिलेशन उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने कितने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे क्या कह सकते हैं बेसिक या सिंपल अप्रोच है वो है बबल शॉर्ट तो सबसे पहले देखते हैं बबल शॉट बबल शॉट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है शॉर्टिंग टेक्निक्स में विल डिस्कस दी बबल शॉट गुड इवनिंग ललित लेट्स सी, सपोज वी हैव सेट नंबर्स लाइक टेन फाइव टू इलेवन एंड सिक्स ठीक है मुझे ये कुछ नंबर्स दिए हुए व्हाट आई वांट? आई वांट टू अरेंज दैट नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यूजिंग बबल शॉर्ट टेक्निक ध्यान से समझिएगा कि कर क्या रहे हम लोग यहाँ पे और क्या हम लोग को करना है सो लेट्स सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट ये कंटेंट अरे में स्टोर है ये अरे की पहली पोजीशन ए ऑफ जीरो ले लेता हूं मैं ये सेकंड पोजीशन ए ऑफ वन है और सिमिलरली कंटेंट आपका अरे में स्टोर है आपको क्या करना है फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से आप लोग क्या करते हैं सबसे पहले कंपेयर करते हैं ठीक है इफ फर्स्ट पोजिशन एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड पोजिशन एलिमेंट है ना कंडीशन क्या लगा रहे हो आप यहां पे इफ ए ऑफ जीरो ज ग्रेटर देन ऑफ वन देन स्वैप देन करना क्या है स्वाप करना है एल्स नो स्वैप तो यहां पे टेन ग्रेटर है फाइव से हंड्रेड परसेंट सो वी नीड टू डू द स्वाप तो यहां पे आपका स्वाप हो जाएगा स्वैप हुआ सो so स्वैप होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा फाइव टेन टू इलेवन सिक्स ठीक है फिर क्या करते हैं वैल्यू आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और अब सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड पोजिशन पे जो एलिमेंट है उसको थर्ड पोजिशन के एलिमेंट से क्या करते कंपेयर करते अगर अगेन सेकेंड पोजिशन एलिमेंट थर्ड से बड़ा है तो फिर से क्या कर दोगे स्वैप सो डू द स्वैपिंग अगेन डू द स्वैपिंग अगेन जैसे स्वैप किया नाउ यू गॉट द रिजल्ट फाइव टू टेन इलेवन सिक्स नाउ थर्ड पोजिशन को कंपेयर करना है फोर्थ पोजिशन से अगर ग्रेटर है तो स्वैप नहीं है तो नो no स्वैप तो यहां पे क्या होगा नो no स्वैप नो no स्वैप क्योंकि ग्रेटर नहीं है ठीक है फिर हमने क्या किया फिर हमने किया नाउ कोई स्वैपिंग नहीं हुई तो आपको रिजल्ट क्या मिला फाइव टू टेन इलेवन सिक्स स्वैपिंग नाउ नेक्स्ट एलिमेंट को उसके अगले है. आपको इंक्रीज करते जाना है मतलब फर्स्ट को सेकंड से सेकंड को थर्ड से थर्ड को फोर्थ से एंड सो ऑन करते जाएंगे फिर यहां आपने देखा इज yes, ग्रेटर तो फिर आपने स्वैप किया जैसे ही आपने स्वैप किया आपको फाइव टू टेन सिक्स एंड 11 ये रिजल्ट मिल गया ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जो एक बार इस तरीके से हम लोग गए इसको हमने कहा वुड बी दास वन मतलब फर्स्ट स्टेप बोल सकते हो या फर्स्ट पास कह सकते हो तो फर्स्ट पास के बाद फर्स्ट पास के बाद आप देखिए जो इस अरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो उसकी फिक्स्ड पोजीशन पे चले गया और अरे में रिमेनिंग एन माइनस वन एलिमेंट बच गए ठीक है सो so, अरे में टोटल कितने एलिमेंट थे एन एलिमेंट उन एन एलिमेंट्स में हमने कंपैरिजन करते गए फर्स्ट को सेकंड से सेकंड को थर्ड से अगर बड़ा है तो स्वैप कर दिया नहीं है तो नहीं किया और ऐसे करते करते एट द एंड जो सबसे लार्जर एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली उसकी फिक्स्ड पोजीशन पे आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा और अरे रिमेनिंग एन माइनस वन एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा नाउ वॉट टू डू रिपीट द सेम ऑपरेशन फॉर रिमेनिंग एन माइनस वन एलिमेंट तो जो अभी हमने किया इसको हम फिर से करेंगे रिमेनिंग एन माइनस वन एलिमेंट्स के लिए ठीक है अब देखिए जब रिमेनिंग एन माइनस वन एलिमेंट्स के लिए आप लोग करेंगे देन विल हैपन फाइव है टू है टेन है सिक्स है, है और इलेवन तो है इसको कुछ करना ही नहीं है सो नाउ वॉट टू डू कंपेयर फर्स्ट विद सेकेंड ग्रेटर है तो स्वैप कर दो सो टू फाइव टेन सिक्स देन कंपेयर सेकेंड विथ थर्ड ग्रेटर है तो स्वैप करो अदरवाइज नो स्वैप सो टू फाइव टेन सिक्स नाउ कंपेयर दिस विद दैट ग्रेटर है तो स्वैप कर दीजिए यस देर इज अ स्वैपिंग सो टू फाइव सिक्स टेन एंड इलेवन वॉट वी कैन से सेकेंड पास के बाद आपका सेकेंड लास्ट एलिमेंट भी उसकी फिक्स पोजिशन पे आ गया और लिस्ट में एन माइनस टू एलिमेंट्स बचे ठीक है लिस्ट में कितने एलिमेंट्स बचे एन माइनस टू एलिमेंट्स बचे ठीक है तो अब एक क्वेश्चन तो यहां पे ये पूछा जाएगा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशंस आपको कितने करने पड़े तो एक स्वैप यहां पे लगा एक स्वैप यहां पे लगा दो एक स्वैप यहां किया तीन सो थ्री स्वैपिंग फर्स्ट पास में लग रही है आप देख सकते हैं उसके बाद एक स्वैपिंग यहां लगी चार ये नो no स्वैप था एक स्वैपिंग यहां लगी पांच अभी लिस्ट में एन माइनस टू एलिमेंट और बाकी वी नीड टू डू द सेम ऑपरेशन फॉर दिस आल्सो तब देखिए आगे कंपैरिजन जरूर होगा बट स्वैपिंग नहीं होगी क्यों क्योंकि आप देख सकते हो टू फाइव सिक्स ऑलरेडी शॉर्टेड सिक्वेंस ही है तो आप कुछ स्वैप नहीं होगा कंपेयर करना पड़ेगा बट स्वैप नहीं होगा तो टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग आपकी लगी कितनी थ्री फोर फाइव तो टोटल फाइव स्वैपिंग में आपने क्या किया सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया ठीक है तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन कितने लगेंगे ये पहला क्वेश्चन है ठीक है आता ही आता है कि नंबर ऑफ स्वैप कितने लग रहे हैं ठीक है तो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ स्वैप फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर ऑफ स्वैप इज हाउ मच इट इज फाइव इट मे बी मोर इट मे बी लेस इसके लिए फाइव है एक क्वेश्चन आता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने करने पड़ रहे हैं आपको हाउ मेनी कंपेरिजन यू नीड टू परफॉर्म हियर सो सी अगर शुरू में आपके आरे में एन एलिमेंट थे तो आपने वन टू थ्री फोर कंपेरिजन किए एन एलिमेंट है एन की वैल्यू यहां पे फाइव है फाइव एलिमेंट है तो फोर कंपैरिजन करने पड़ रहे अगर एन एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने करने पड़ेंगे एन माइनस वन तो यहां देखिए नंबर ऑफ कंपैरिजन फर्स्ट पास में अरे में एन एलिमेंट थे तो कंपैरिजन एन माइनस वन लगे सेकेंड पास में अरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एक कम हुआ एन माइनस वन हुआ तो कंपेरिजन लगेंगे N -2 लगेंगे। आपको ऐड करने टोटलिजन फिर माइनस फिर ऐसे चलते 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 आखरी में एक comparison और end हो जाएगा। समेशन ऑफ नंबर्स इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं थ्री अपन माइनस वन सो समर्ट एन माइनस वन नेचुरू जन्स रिक्वायर्ड तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने लग रहे हैं एन एन माइनस वन बाई टू कंपेरिजन आपको यहां पर लगेंगे अब ये जो इतने कंपेरिजन लग रहे हैं ठीक है एन एन माइनस वन बाई टू जो कंपेरिजन लग रहे हैं आपको यह फिक्स एंड विद्प ऑफ दैट वॉट वी कैन से कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी तो यह किस टाइप की इक्वेशन बन रही है क्वारिटी की इक्वेशन बन रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इज वॉट इट इज टीटा एन स्क्वायर टीटा एन स्क्वायर क्या हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तो बबल शॉट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट एल्गोरिथम इज वॉट इट इज थीटा एन स्क्वायर अब पॉइंट ये कि क्या तीनों केसेस में यही होता है तो देखिए जो आपका बबल शॉट एल्गोरिथम है वो चाहे आप बेस्ट केस ऑपरेशन करें या एवरेज केस ऑपरेशन लें या वर्स्ट केस ऑपरेशन लें तीनों में कॉम्प्लेक्सिटी सेम देता है तीनों में कॉम्प्लेक्सिटी सेम देता है क्यों क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ इनपुट पे डिपेंड नहीं करता देखिए पहले को दूसरे से कंपेयर करना है कंपेयर करने के बाद स्वैप होगा या नहीं होगा इट इज ऑप्शनल क्योंकि ये डिपेंड करता है इफ एल्स कंडीशन पे बट कंपेयर तो हो गया और जो बबल शॉट एल्गोरिथम है वो कंपेरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है तो चाहे आप बेस्ट केस निकाले चाहे आप वर्स्ट केस निकाले, निकाले चाहे आप एवरेज केस निकाले हर केसेस में नंबर ऑफ कंपेरिजन एन एन माइनस वन बाई टू आपको करने पड़ते हैं ये फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ कंपेरिजन एन एन माइनस वन बाई टू बट वॉट वी कैन डू हम अगर जो ट्रेडिशनल बबल शॉट एल्गोरिथम है अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करें और एक एडवांस्ड बबल शॉट एल्गोरिथम बनाने की कोशिश करें तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर्स ऑलरेडी शॉर्टेड सीक्वेंस में दिए हुए लाइक वन टू थ्री फोर फाइव और आपको बोला है कि इसको बबल शॉट से अरेंज करो तो बबल शॉट को नहीं पता ना कि आर के अंदर स्टोर कौन सा एलिमेंट है बबल शॉट डज नॉट नो एनीथिंग तो वो करता क्या है वो तो सिंपल सा कंपेयर करता है पहले को दूसरे से दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से चौथे को पांचवे से कंपेयर करता जाता है फिर वो जैसे ही फर्स्ट पास खत्म होता है वो मान लेता है कि पहला लार्जर आखिरी पोजिशन पर आ गया फिर आपका सेम एल्गोरिथम रिमेनिंग एन माइनस वन के लिए रिपीट होता जाता है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपने एल्गोरिथम वैसा बनाया आपने उसमें कोड में जो सिंटेक्स है वो लिखा ही ऐसा है ना आप तो उसमें कुछ नहीं होगा चाहे आप शॉर्टेड कंप्लीटली शॉर्टेड दो कंप्लीटली अनशॉर्टेड दो रेंडम ऑर्डर दो वो अपने टोटल जितने भी इटीरेशन है वो सारे कंप्लीट करेगा तो इट बिकम एन एन माइनस वन बाई टू लेकिन अगर मैं यहां पे एक थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ी सी चीज चेंज कर दू वो क्या कर दू कि अगर सपोज फर्स्ट पास में स्वैप हुए आपके जीरो अगर फर्स्ट पास में एक भी स्वैप नहीं होता इसका मतलब वो ऑलरेडी शॉर्टेड है तो आप वहीं पे आपकी लूप को ब्रेक करके और बाहर निकल जाओ वाई यू आर डूइंग द रिमेनिंग अगेन अगेन एंड तो वॉट वी कैन से वी कैन रिड्यूस द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी अप टू थीटा एन एक बार तो लूप चलाना पड़ेगा एक बार तो सब पे तो कंपेयर करना पड़ेगा फिर नंबर ऑफ स्वैप आपके जीरो आए आप वहीं रुक गए लूप से बाहर हो गए तो एक बार लूप चलाने का जो टाइम लगा वो कितना लगा थीटा एन टाइम लगा तो थीटा एंड टाइम में आप बेस्ट केस में इसको शॉर्ट कर सकते हैं बट एल्गोरिथम में चेंज करना पड़ेगा क्या चेंज करना पड़ेगा आपको काउंट करना पड़ेगा कि स्वैप जीरो है क्या और एक कंपैरिजन लगाना पड़ेगा कि इफ नंबर ऑफ स्वैप इज इक्वल्स टू जीरो आफ्टर फर्स्ट पास देन बाहर है ना तो व्हाट वी कैन से आप अगर बात करें तो बेसिक बबल शॉर्ट एल्गोरिथम में चाहे तीनों में से कोई भी केसेस हो कॉम्प्लेक्सिटी सेम वी कैन रिड्यूस दैट कॉम्प्लेक्सिटी अप टू थीटा एंड बाय डूइंग दैट चेंज इज इट क्लियर इज इट क्लियर तो हम ये कर सकते हैं ये चेंज के साथ में हम लोग ये कर सकते हैं इस चेंज के साथ में आई बात समझ में बेटा ये आप लोगों को इज इट क्लियर यस और नो एक बार रिप्लाई कर दीजिए जो पॉइंट हमने डिस्कस किया ये क्लियर है क्या सभी को चलिए तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है ठीक है अब सेकेंड अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बबल शॉट का रिकर्सिव एल्गोरिथम बना सकते हैं क्या क्या बबल शॉट का रिकर्सिव एल्गोरिथम बना सकते हैं क्या तो ये जो है वो इटिरेशन से करें या रिकर्शन से करें दोनों से हो जाएगा रिकर्सिव एल्गोरिथम कैसे बनाना है लेट सी टेन फाइव एट सेवन सिक्स जो भी आपके पास डेटा है वॉट यू आर डूइंग आप इस एन नंबर को इस टी एन को पास कर रहे हैं ठीक है टी एन को पास कर रहे हैं आफ्टर फर्स्ट इटिरेशन एक एलिमेंट जो होगा वो उसकी फिक्स्ड पोजीशन पे आ जाएगा और लिस्ट में कितने एलिमेंट्स बचेंगे एन माइनस वन कॉल द सेम एल्गोरिथम फॉर रिमेनिंग एन माइनस वन एलिमेंट तो जो प्रॉब्लम टी एन है वो कॉल किसको कर रहा है इट इज कॉलिंग टी ऑफ एन माइनस वन सो टी एन कॉल टी ऑफ एन माइनस वन ठीक है प्लस आता क्या है यहां पे क्या लिखते हैं हम कॉस्ट देखिए रिकर्सिव एल्गोरिथम दो चीजों पे डिपेंड करता है मैंने कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाया था तब आपको बताया था कि एक कॉलिंग पे डिपेंड करता है और दूसरा कॉस्ट पे डिपेंड करता है तो कॉलिंग और दूसरा कॉस्ट तो कॉलिंग क्या हो रही है पहले आपने एल्गोरिथम में एन एलिमेंट्स को पास किया उसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया और एक एलिमेंट को फिक्स पोजिशन पर भेज दिया नाउ यू नीड टू कॉल द सेम एल्गोरिथम फॉर रिमेनिंग एन माइनस वन एलिमेंट मतलब फिर से कॉल कर रहे हो रिमेनिंग एन माइनस वन के लिए तो टी एन कॉल कर रहा है टी ऑफ एन माइनस वन को कॉस्ट क्या है तो देखिए कॉस्ट ये है कि आप फर्स्ट पास में फर्स्ट पास में कंपेरिजन कितने कर रहे हो तो अगर ये एन एलिमेंट्स है देन यू नीड टू डू द एन माइनस वन कंपेरिजन्स तो ये लगी कॉस्ट एन की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आप इटीरेशंस कितने कर रहे हो आप कंपेरिजन्स कितने कर रहे हो तो यू आर डूइंग द एन माइनस वन कंपेरिजन उसके बाद आपका एक एलिमेंट उसकी फिक्स पोजिशन पर चले जाएगा तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी एन माइनस वन बट ड्यू टू दी वॉट वी कैन से हम कॉस्ट को कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में लिखते हैं तो अगर कॉस्ट को कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं एन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि माइनस वन तो क्या है कॉन्स्टेंट है वी कैन इग्नोर दैट सो टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन ये किस टाइप का रिकरेंस रिलेशन है तो ये है सब्ट्रिक्ट एंड कॉनकर रिलेशन ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछे कि बबल शॉट कौन सी स्ट्रेटेजी है क्या ये डिवाइड एंड कौन कर है नो no. हम यहाँ पे रिकर्शन को डिवाइड नहीं कर रहे हम रिकर्शन को टर्मिनेट करना चाहते हैं बट बाई डूइंग दी सब्ट्रिक्शन माइनस वन कर रहे हैं ना सब्रैक्ट कर रहे हैं डिवाइड कब होता है जब डिवाइड बाई टू करता है एन बाई टू करता मतलब डिवाइडिंग आई एम नॉट डिवाइडिंग द रिकरेंस रिलेशन आई एम सब्ट्रैक्टिंग द कंटेंट एंड आई नीड टू अचीव द बेस कंडीशन तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एंड कॉनकर तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बबल शॉट कौन सी टेक्निक है तो यू शुड से दैट इट इज सब्ट्रैक्ट एंड कॉनकर टेक्निक इट इज नॉट डिवाइड इन कॉनकर इट इज सब्ट्रेक्ट इन कॉनकर टेक्निक गॉट इट तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप ठीक है अब इस रिक्रेंस रिलेशन को आप मास्टर्स मैथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो इस रिक्रेंस रिलेशन को मास्टर्स मैथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो अब अगर आप सॉल्व करेंगे भी तो आपको इसके सोल्यूशन में जो रिलेशन में रिजल्ट मिलेगा वो ठीठा एन स्क्वायर मिलेगा कैसे सॉल्व किया जाता है दो तरीके हैं एक इटरेटिव अप्रोच है एक मास्टर्स माथड है मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बताए हैं है ना तो दोनों तरीके आप अगर नहीं देखा है तो कॉम्प्लेक्सिटी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम इससे यहां तक पहुंचेंगे सो योर कॉम्प्लेक्सिटी इज वॉट इट इज थीटा एन स्क्वायर गॉट माई पॉइंट अब देखिए क्वेश्चन बबल शॉट के ऊपर क्या आता है या किस तरीके से पूछा जाता है तो सबसे पहले सपोज टू भी आपको कुछ कीज दी हुई हैं वॉट टेन फिफ्टीन फाइव इलेवन सेवन सिक्स नाइन एंड नाइनटीन चलिए नाइन तक ही ले लेते हैं यस ओके नाउ माय क्वेश्चन एज फर्स्ट मल्टीपल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ है ना तो उनको रिजल्ट फाइंड आउट करना है का Arrange number in ascending order using bubble shot and find. Number of swap operation, number of comparisons. And my second question is, my second question is. Arrange number in descending order using bubble shot and arrange number in descending order using bubble shot and find. number of swap second number of comparison देखिए तो इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप और कंपेरिजन कितने होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्वैप कितने होते हैं वी नीड टू चेक दैट थिंग सो ट्राई इट एंड टेल मी नंबर ऑफ स्वाप भी बताइए और नंबर ऑफ कंपेरिजन भी बताइए इन बोथ दी केसेस असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर अगर अरेंज करना है सर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे थे दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड से ग्रेटर है तो स्वाप कर रहे थे डिसेंडिंग में क्या करेंगे लेस होगा तो स्वैप कर देंगे कंडीशन चेंज कर दी जहां पे ग्रेटर था वहां लेस कर दो बस तो असेंडिंग के प्लेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा ट्राई करिए एक बार सभी बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर देखिए नंबर ऑफ एक यहां पे पॉइंट में आपको बताता हूं अगर हम नंबर ऑफ कंपेरिजन्स की बात करें ठीक है तो नंबर ऑफ कंपेरिजन्स आपके कितने होते हैं तो वो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला एन एन माइनस वन बाई टू चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर की बात करें या आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एन एन माइनस वन बाई टू ओके सो बाई दैट यू कैन फाइंड द आंसर n minus 1 by 2 just calculate the number of elements put that and you got your answer थ्री थ्री सिक्स सेवन सेवन इंटू सिक्स बाय टू द वैल्यू इज ट्वेंटी वन द सेम वैल्यू ही ट्वेंटी वन ओके अब जो क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ स्वाप फाइंड आउट करने का कि नंबर ऑफ स्वैप कितने होंगे अब स्वैप फिक्स्ड नहीं है ऐसा नहीं है कि हर बार फिक्स्ड ट्वेंटी वन होंगे या फोर्टी होंगे या टेन होगा या जीरो होगा इट डिपेंड्स इट मे बी मोर इट मे बी लेस मैक्सिमम की एक लिमिट है बट मिनिमम uh, की कोई लिमिट नहीं मिनिमम जीरो भी हो सकता है तो मिनिमम जीरो मैक्सिमम जो होंगे वो कितने हो सकते हैं तो जितनी बार कंपेयर कर रहे हो अगर हर बार स्वैप करना पड़ रहा है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप तो मैक्सिमम एल एन माइनस वन बाई टू हो सकते हैं मतलब ट्वेंटी वन से कभी आंसर बड़ा नहीं आएगा क्योंकि जितने कंपेरिजन कर रहे उतने ही स्वैप करोगे ना उससे ज़्यादा स्वैप तो हो नहीं सकते हैं तो मैक्सिमम स्वैप इज़ ट्वेंटी वन मिनिमम स्वैप इज़ जीरो बट इट लाई बिटवीन दैट जो नंबर की रेंज है वो उसके बीच में लाई करेगी तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ स्वैप अलग हो सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ स्वैप्स अलग हो सकते हैं पॉइंट ये है कि कितने होंगे तो अब सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखें सारे पासेस अप्लाई करके देखें तो आप कर सकते हो कि आपने टोटल कितने नंबर दिए सर से मैंने सेवन नंबर्स दिए तो आप सेवन नंबर्स के लिए कितने पास अप्लाई करने पड़ेंगे सिक्स टाइम्स फर्स्ट पास सेकेंड पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट कंडीशन में सिक्स पास तक जाना पड़ेगा आपको और उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि टोटल स्वाप कितने एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ उससे आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ठीक है तो शॉर्टकट क्या है देखो इन नंबर्स को ध्यान से समझिएगा कीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कितने स्व लगेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कितने स्व लगेंगे लेट्स ये कीज़ कौन कौन सी है टेन है फिफ्टीन फाइव इलेवन सेवन ठीक है असेंडिंग ऑर्डर करना है हम कहां पे खड़े हैं हम इधर खड़े हैं, यहां है. आप जिस भी की पे खड़े रहोगे आपकी निगाहें कहां होगी उसके आगे ठीक है फॉरवर्ड आगे देखना है पीछे नहीं देखना है जिस भी पोजीशन पे खड़े हो सिर्फ उसके आगे देखोगे उसके पीछे नहीं देखोगे ठीक है तो जस्ट चेक दैट कि टेन के बाद ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि टेन से स्मॉलर है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट इज लेस देन दी दिन आफ्टर दी टेन आप टेन पे खड़े हो तो टेन के आगे देखोगे फिफ्टीन क्या लैसे नहीं फाइव यस इलेवन नो सेवन यस सिक्स यस नाइन यस सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट इज लेस देन दी दिन सो वन टू थ्री एंड फोर सो टेन के लिए टोटल नंबर ऑफ स्वैप आपको जो करने हैं ये मैं स्वैप कैलकुलेट कर रहा हूं

नहीं है तो जीरो स्वैप इलेवन से लेस थ्री कीज सेवन से लेस वन की सिक्स से लेस कोई नहीं नाइन के आगे कोई नहीं जस्ट टेक एडिशन ऑफ दस थर्टीन सो यू रिक्वायर थर्टीन स्वैप ऑपरेशंस यू रिक्वायर थर्टीन स्वैप ऑपरेशंस इफ यू वॉन्ट टू अरेंज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर करना है थर्टीन स्वाप लगेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या करना है तो अगेन आप टेन पे खड़े हो जाओ डिसेंडिंग ऑर्डर कब होगा जब नंबर अगला वाला क्या मिले आपको बड़ा मिले तो आप स्वैप करते हो ना तो सिंपल टेन के बाद देखो कितने नंबर से जो टेन से ग्रेटर है उनके लिए स्वैप करते हैं तो टेन के बाद एक फिफ्टीन ग्रेटर है एक अलेवन ग्रेटर है तो टेन के लिए नंबर ऑफ स्वैप कितने हुए टू फिफ्टीन के लिए नंबर ऑफ स्वैप कितने हुए वन फाइव के बाद कितने नंबर से जो फाइव से ग्रेटर है वन टू थ्री फोर आफ्टर इलेवन हाउ मिनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन इलेवन जीरो आफ्टर सेवन हाउ मिनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन सेवन वन आफ्टर सिक्स वन आफ्टर नाइन कोई नहीं जीरो जस्ट एक एडिशन इट गिव्स यू द वैल्यू नाइन नंबर ऑफ स्वैप कितने लग गए नाइन इज इट क्लियर बार अप्लाई करके बता दीजिए क्लियर है कैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर ऑफ स्वैप्स आप लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कंपेरिजन तो फिक्स ले लेंगे एन एन माइनस वन बाय टू नंबर ऑफ स्वैप के लिए आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ठीक है Is it clear? Shelly. Now solve one question. Consider the keys ten nine eight eleven three seven two four five. Okay. If you want to arrange in ascending order.

ये सब कुछ आपको बताना है ट्राई इट एंड टेल मी हाउ मच इट इज़ ट्राई करो क्या आएगा रिजल्ट नंबर ऑफ स्वैप एंड नंबर ऑफ कंपैरिजन नंबर ऑफ कंपेरिजन टू फिक्स थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाइन सो नाइन नाइन माइनस वन बाय टू गिव्स यू वैल्यू थर्टी सिक्स गिव्स यू वैल्यू थर्टी सिक्स असेंडिंग डिसेंडिंग के केस में नंबर ऑफ स्वैप निकाल लीजिए कितार है टेन नाइन एट एलेवन थ्री सेवन टू फोर फाइव है ना ये आपको दिया हुआ है और अब हम लोग निकालते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के केस में नंबर ऑफ स्वैप सो अगेन इफ यू आर एट दिस पोजिशन असेंडिंग देखना है आगे देखेंगे निगाहें आगे रखेंगे और क्या देखेंगे कि असेंडिंग जो है असेंडिंग जो है उसमें क्या देख रहे हो कब स्वैप करते हो आप टेन से अगर टेन से आगे नंबर छोटा आता है तो स्वैप कर देते हो तो बस वही देखना है आपको हाउ मेनी नंबर आर देयर दैट इज लेस देन टेन फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन नंबर्स आर हैं दैट इज लेस देन टेन आफ्टर नाइन हाउ मेनी नंबर दैट इज लेस देन नाइन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आफ्टर एट हाउ मेनी नंबर दैट इज लेस देन एट वन टू थ्री फोर फाइव आफ्टर इलेवन हाउ मेनी नंबर दैट इज लेस देन इलेवन वन टू थ्री फोर फाइव तीन के बाद एक ही है छोटा है सेवन से थ्री टू से जीरो फोर से जीरो फाइव से जीरो जस्ट एक एडिशन ऑफ दस सो इट गिव्स यू द वैल्यू ट्वेंटी सेवन है ना सो टेन से लेस कितना था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन से लेस कितने था एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है एट से लेस थ्री टू फाइव इलेवन से लेस भी फाइव थ्री से लेस एक ही था सेवन से लेस तीनों है टू से लेस एक भी नहीं फोर से लेस एक भी नहीं फाइव से लेस एक भी नहीं ठीक तो अगेन यू नीड टू टेक एडिशन कर लीजिए टेन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन आएगा सो इट इज ट्वेंटी सेवन इट इज ट्वेंटी सेवन असेंडिंग के लिए ट्वेंटी सेवन डिसेंडिंग के केस में सो आप टेन से ग्रेटर देखना है एक नंबर है नाइन से ग्रेटर एक है एट से ग्रेटर भी एक है अलेवन से ग्रेटर कोई नहीं थ्री से ग्रेटर वन टू थ्री सेवन से ग्रेटर कोई नहीं टू से ग्रेटर टू फोर से ग्रेटर वन इससे ग्रेटर जीरो डिस्ट्रिक एडिशन सो दैट गिव्स यू द नंबर नाइन दैट गिव्स यू द नंबर नाइन ओके ट्वेंटी सेवन तो बबल शॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं ठीक है देखिए शॉर्टिंग पे जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि मैंने आपको बताया अभी वो कितना था थीटा एन स्क्वायर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं ऑलरेडी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन मैंने पढ़ाया था उसे मैंने आप लोग को कंप्लीट बताया है ठीक है उन वीडियोस को अगर देखिएगा नहीं देखा है तो टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन को अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिए एंड uh, सारे सेशंस सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर कोर्सेज जो है वो टू हंड्रेड से स्टार्ट है ठीक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब देखिए यहाँ दो टाइप के एल्गोरिथम्स आप बबल शॉट के बना सकते हो तो अगर आप इटिरेटिव बबल शॉट एल्गोरिथम यूज कर रहे हो ठीक है इटिरेटिव बबल शॉट एल्गोरिथम यूज कर रहे हो मतलब फोर लूप अप्लाई करके तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट, क्योंकि अरे को तो आप एज ए आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो इनपुट स्पेस में चले जाएगा ठीक है एक अरे है उसको एज ए आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो इनपुट स्पेस में चले जाएगा आपको शॉर्टिंग के अंदर करना के है कि ऐसे फोर लूप लगाने हैं और इफ कंडीशन के साथ में कंपैरिजन करना है तो ये तो हो जाएगी कांस्टेंट ठीक है क्योंकि फोर लूप की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है और अरे आपने एज ए आर्ग्यूमेंट बाहर से पास किया तो दो चीजों पे डिपेंड करती है कोड एग्जीक्यूशन स्पेस और एक डेटा स्पेस डेटा आप ऑलरेडी एज ए इनपुट ले रहे हो तो डेटा स्पेस कुछ लगेगा नहीं कोड एग्जीक्यूशन स्पेस जो है वो फोर लूप की वजह से इटरेटिव एल्गोरिथम है तो कोड एक् एलग्रथम कुछ भी हो अगर वो एल्गोरिथम है तो कोड एग्जीक्यूशन स्पेस तो कॉन्स्टेंट ही होती है तो बात खत्म हो गई अब सेकेंड आप अगर यूज कर रहे हो रिकर्सिव एल्गोरिथम रिकर्सिव एल्गोरिथम अगर आप लोग यूज कर रहे हो ठीक है तो रिकर्सिव एल्गोरिथम के केस में क्या कहेंगे रिकर्सन की डेप्थ कितनी है तो कर क्या रहे रिकर्सिव एल्गोरिथम है कैसा रिकरेंस रिलेशन बन कैसा रहा है कुछ इस तरीके का बन रहा है एन किसको कॉल कर रहा है एन माइनस वन को मतलब जो स्टेक बनेगा एन कॉल करेगा एन माइनस वन को फिर एन माइनस वन कॉल करेगा एन माइनस टू को ऐसे इसकी ग्रोथ कितनी होगी मैक्सिमम एन तो जितना स्टेक ग्रो होगा उतनी कॉम स्पेस लगेगी सो थीटा एन ठीक है तो स्पेस कितनी लग गई बेटा यहाँ पे थीटा एन स्पेस लग गई तो जो क्वेश्चन आएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सो यू एन आइडिया, अधिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहे इटरेटिव एलग्रोथम हो चाहे रिकर्सिव एलग्रोथम हो एन स्क्वायर लगेगी और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बेस्ट केस में एन तक हम कम कर सकते हैं लेकिन उसमें एग्जिस्टिंग एलग्रोथम में चेंज करना पड़ेगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये एक्सप्लेन करना है आपको मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंगली यूनिट टू गिव द आंसर फिर इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछेंगे नंबर ऑफ कंपेरिजन्स मैंने आपको बता दिया कितने लगते हैं एन एन माइनस वन बाई टू अगला क्वेश्चन पूछेंगे नंबर ऑफ स्वैप मैंने आपको शॉर्टकट बता ही दिया है कैसे निकालना है नंबर ऑफ स्वैप तो नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन तो ये कंप्लीट बबल शॉर्ट था और इस टाइप से एल्गोरिथम और उसके क्वेश्चन और उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और यही तरीका हमें रखना है हर शॉर्टिंग टेक्निक को पढ़ने का ठीक है हर शॉर्टिंग टेक्निक में हम लोग इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे और कंपेयर भी करेंगे कि प्रीवियस से बेहतर है या इश्यूज क्या है वो सब कुछ डिस्कस होगा ठीक है चलिए सो आई होप दिस बबल शॉट एज वेल एज दिस पर्टिकुलर सेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब दि चैनल ऑल्सो एंड अगर आप एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो ओनली सेवन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में कोर्स आपको अवेलेबल है और उसके अलावा भी स्पेशल कोर्स अप्लाई करके रेट और कम हो सकता है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज अवेलेबल है टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार विजिट ज़रूर करिएगा सारे कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करेगा देर आर सो मेनी कोर्सेज उनके बहुत सारे लेक्चर्स फ्री भी है तो एटलीस्ट आपको डीमो वहाँ पर मिल जाएगा कि कोर्स और सब्जेक्ट कंटेंट की क्वालिटी क्या है वो देखने को आपको मिलेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग आपसे कल ऑल ऑफ यू बाय टेक केयर गुड नाइट